किया, कान में जो रोने की आवाज पहुंची, दशरथ भाग के आए। शिव कुमार को जमीन पर पड़ा देखा, बहुत दुर्बल किया। शिव कहने लगा, मामा जी मैं मर तो रहा हूँ, बस अंतिम इच्छा ये है क्या कि मेरे माता पिता को पानी पिला देना। भैया राम राम। सुखदेव कहते हैं कि हे परीक्षित, इधर तो दशरथ तुम ही हाथ में लेकर के चले और जाकर के वहां पहुंचे जहां महाराज अंधे अंधा है। तुम ही तेज बजा रहे हैं लेकिन मुख से कुछ नहीं कह रहे, सोच रहे हैं कि पानी पिला दें फिर इनको पूरा सच बता देंगे। लेकिन अंधे अंधों को ज्ञात हुआ कि सुर मारा गया, श्राप दिया है कि हे दशरथ मैं पुत्र के योग में मर रहा हूँ, तो कुछ दिन जल्दी आएगा जब एक दिन तुम अपने पुत्र के मुंह में अपने प्राणों को त्यागोगे। वही महाराज दशरथ आज राम बन के लिए जा रहे हैं, दशरथ रुदन कर रहे हैं, याद रखना महल के ऊपर खड़े हैं। आज महाराज दशरथ अपने पुत्र के मुंह में प्राणों को त्यागते हैं। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, जब महाराज दशरथ ने प्राण त्यागे, राम इधर आगे बढ़े, जाकर के सबसे पहले चित्रकूट में पहुंचे। इधर भरत लाल जब अयोध्या में आए, जब उन्हें ये बात पता लगी कि मेरी मैया ने मेरे भैया को वन भेज लो, तो जवाब दिया है महाराज भरत ने, अरे मैया राम और मैं कोई अलग अलग तो नहीं हूं, तुमने ये अच्छा नहीं किया जो भैया राम को वन भेज दिया। जवाब दिया है क्या, मैया रे तुम्हें गाथा नी मन में, राम सिया भेज गए पन। Hey, boy,